वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। नमस्कार, किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। ये खाने में मटन के स्वाद जैसा लगता है। चलिए मैं बनाने चलती हूँ। कटहल को मैंने छील के उबाल लिया, आलू भी उबाल के छील लिया है, एक बड़ा प्याज काट लिया, हरी मिर्च, धनिया पत्ता। एकदम सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला का भी प्रयोग नहीं कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, और फ़ौरन के लिए जीरा। गैस को ऑन कर देंगे, इस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और कटहल को तल के निकाल लेंगे। कटहल पहले तल लेने से टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है, इसलिए कटहल को पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर ले। अब ये थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगी। जब ये पूरे लाल हो जाएगी, अब ये फ्राई हो चुका है, मैं इसे अलग बर्तन में निकाल के रख लूँगी। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं फ़ौरन डालूँगी, जीरा का फ़ौरन और हरी मिर्च जो मैंने पहले से काट के रखी थी और कटा हुआ प्याज, वो डाल के अच्छे से लाल होने तक इसको फ्राई करेंगे। यह मेरा लाल हो चुका है, गल चुका है प्याज। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, हल्दी डाल दूंगी और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी कि प्याज भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी फ्राई हो जाए। इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से भुना जाए, बना के तैयार हो जाएगा। अब ये हो चुका है, अब मैं इसमें कटहल और आलू दोनों डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके लाल होने तक इसको मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें ग्रेवी वाला सब्जी बनाना। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए उबलने देते हैं कि अच्छे से ये मिल जाए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार लगती है। एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।